देव समाज के नाम पर सरकाघाट मंडल में वृद्ध महिला को डायन बताकर उसके साथ मारपीट कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने की घटना की सर्व देवता कमेटी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सर्व देवता कमेटी ने अपने प्रधान शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में मंडी में आपात बैठक की। इस बैठक में देव समाज के नाम पर वृद्ध महिला के साथ किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार पर सभी ने निंदा की और एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें जिला प्रशासन व सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। देव समाज के नाम पर सरकाघाट मंडल में वृद्ध महिला को डायन बताकर उसके साथ किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार की घटना की सर्व देवता कमेटी ने कड़ी निंदा की है। सर्व देवता कमेटी ने कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में मंडी में आपात बैठक की। इस बैठक में देव समाज के नाम पर वृद्ध महिला के साथ किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार की बैठक में मौजूद कमेटी के सभी सदस्यों ने घोर निंदा की और एक प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन व सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा सर्व देवता कमेटी ने सरकार व प्रशासन से ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की जो देव समाज के नाम पर ऐसे घटिया व क्रूरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए श्रद्धा कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि देव समाज प्राचीन आस्था और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी देवता इंसान को ऐसी क्रूरतापूर्ण हरकत को अंजाम देने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि देवी देवता आस्था का प्रतीक है और अपने आप में सर्वोच्च शक्तियां हैं जो स्वयं गलत कार्य करने वालों को दंडित करते हैं मगर उसका किसी को आवास नहीं होता। बेटे की प्रांत सर्व देवता कमेटी ने जिला प्रशासन को बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सर्व देवता कमेटी ने जिला प्रशासन व सरकार से सरकाघाट प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस अवसर पर सर्व देवता कमेटी के सभी पदाधिकारियों व देवता के कारदार मौजूद रहे। आज हमने कार्य करने की बैठक की जिसमें प्रमुख देवताओं के कारदारों गुरुओं ने भाग लिया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो सरकाघाट में श्री महुनाग के गुरु पुजारी और कमेटियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया गया है वो बड़ा निंदनीय है और उन व्यक्तियों ने देवता के आर पर जो कार्य किया इसका समस्त देव कारदार समाज जो है विरोध करता है। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो किसको ऐसा घृणा काम करने के लिए आदेश देता है। ये देवी देवता का कब किसी को दंड देता है तो अपने तरीके से देता है, उसका पता किसी को न लगता। अगर कोई व्यक्ति चाहे घूर है चाहे पुजारी है चाहे कमेटी है चाहे हैरान के व्यक्ति क्यों नहीं है गलती करता है तो देवता उसको दंडित जरूर करता है पर वो दंड का पता किसी को नहीं लगता, उसको हम देव प्रकोप कहते हैं। और देवता का जब पता जाता है दंड दिया किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति अगर क्षमा प्रार्थना देवता के साथ करता है तो देवता वही क्षमा कर देता है। अगर उसके याचना पर उसकी पस्ता पर देवता क्षमा करता है पर दंड कभी नहीं देता। ये जो है ये जो कार्य किया गया है ये एक देव समाज को बर्बाद करने के लिए देव समाज को खराब करने की बात है। इसमें देव समाज सारा कलंक हो रहा है, ये बहुत गलत है, इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। माननीय उपायुक्त से हमने मिले, उनको हमने एक कॉपी दी कि भविष्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर धंधा खोल रखा है देवी देवताओं के दरबार में तो और ऐसा कार्य कर रहा है उसको उसके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी बात ना हो। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।